नमस्कार, मैं देवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं डी न्यूज़ भारत। इस वक्त आप जयपुर के कुंडा स्थित CISF कैंप से सेना भर्ती रैली की सीधी लाइव तस्वीरें हमारे साथ देख रहे हैं। सेना भर्ती का आज चौथा दिन है और आज यहां पर दौड़ने के लिए 1978 युवा पहुंचे हैं। आपको बता देंगे कि सेना भर्ती रैली में शामिल होने के लिए कुल 4069 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया था और जिनमें से आज दौड़ में शामिल होने के लिए कुल 1978 युवा यहां पहुंचे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो युवा दौड़ पास कर चुके हैं उन युवाओं का जो आगे का प्रोसीजर है वह चल रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फाइनल हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जा रहा है और जो युवा यहाँ से पास होते हैं उसके बाद से उन युवाओं को आगे के जो प्रोसेस है वहाँ से गुजरना होता है। और इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस फाइनल वेट और चेस्ट मेजरमेंट से पहले इन युवाओं को एक प्रोसीजर ये भी है जहाँ पर इन युवाओं को 10 बीम लगानी होती हैं एंड फिर डिच उसको क्वालिफाई करना होता है और जिगजैग यानी बैलेंसिंग प्रक्रिया से भी गुजरना होता है। आप इस वक्त हमारे साथ सीधी लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। यहाँ पर जयपुर के कुंडा स्थित CISF कैंप से सेना भर्ती रैली की लाइव तस्वीर आप इस वक्त यहाँ से देख पा रहे हैं। ये वो युवा हैं जो दौड़ पास कर चुके हैं। तो आपको रोज यहाँ पर सेना भर्ती का जो लाइव अपडेट है इसी तरह से मिलता रहेगा। आप हमारे साथ में इसी तरह बने रहें। सर, मैं साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेहनत करो, मेहनत पे विश्वास रखो, किस्मत पे विश्वास मत रखो और जो कंटिन्यू मेहनत करेगा वही सफलता पाएगा। एक फौज की भर्ती एकदम पारदर्शी है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है, एकदम पारदर्शी है। और सेना में भर्ती होना है तो अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। आप किस तरह से यहाँ तक पहुँचे, क्या क्या पास किया? जी सर, मैं अभी मेरा हो गया 1600 मीटर की रनिंग हुई है और जिगजैग हुआ है, 9 फीट का गड्ढा हुआ है और 10 बीम हुआ है और उसके बाद में जो भी फिजिकली होता है कार्रवाई वो पूरा कंप्लीट कर हो गया मेरा और कल मेरा शायद मेडिकल होगा। कौन से तहसील से हैं आप? सर, मेरा गाँव रेनवाल माझी है, मेरा नाम बाबूलाल जाट है और मैं शुरू से 2015 से आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ और कंटिन्यू फाइट फिजिकल फाइट कर रहा हूँ। सो का फिजिकल रहता है मेरा हमेशा और मैं हमेशा जी मेरे गुरुजी कहते हैं कि मेहनत पे विश्वास रखो, किस्मत पे विश्वास मत रखो, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। जयपुर के कुंडा स्थित CISF कैंप में चल रही सेना भर्ती के चौथे दिन गुरुवार को जयपुर जिले की तहसील फुलेरा, मौजमाबाद, सांगानेर, फागी जयपुर तहसील जबकि सीकर जिले की श्रीमाधोपुर व टोंक जिले की उनियारा तहसील के युवाओं ने दौड़ लगाई। इन सभी तहसीलों से सेना भर्ती में शामिल होने के लिए 4069 युवाओं ने पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया था जिनमें से 1978 युवा दौड़ में शामिल होने पहुंचे। सुबह 4 बजे से दौड़ शुरू हुई, इससे पहले रात्रि 2 बजे से युवाओं को प्रवेश दिया गया। इसके बाद उनके एडमिट कार्ड की बार कोड रीडर से जाँच कर एंट्री दी गई। सेना भर्ती में दौड़ में असफल रहे कुछ अभ्यर्थियों से जब डी न्यूज ने बात की तो उन्होंने बताया कि दौड़ के लिए उन्होंने भी कड़ी मेहनत की थी। घरेलू मैदान पर 1600 मीटर दौड़ पूरी करने में उन्हें 4 मिनट 50 सेकंड का समय लगता था लेकिन जब वो सेना भर्ती में दौड़ के लिए रनिंग ट्रैक पर पहुंचे तो एक डर सा, एक अजीब सी घबराहट उनके मन में होने लगी और आखिरकार इसी डर के कारण वो अपना आत्मविश्वास खो बैठे और दौड़ में फेल हो गए। इन युवाओं का कहना था कि वो सेना भर्ती में पहली बार शामिल होने पहुंचे थे जिस कारण मन में ऐसी घबराहट हो गई। दौड़ में फेल इन युवाओं ने यह भी कहा कि सेना दौड़ पास करने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत की जरूरत नहीं है बल्कि आत्मविश्वास की भी बेहद आवश्यकता है। जब तक हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक हम सफल नहीं हो सकते। इधर सेना भर्ती में शामिल होने पहुंच रहे युवाओं में से कुछ युवा फर्जी दस्तावेज लेकर भी पहुंच रहे हैं। ऐसे युवाओं को भर्ती प्रक्रिया में लगे सैन्य अधिकारियों व सेना भर्ती के कंप्यूटराइज्ड हाईटेक सिस्टम ने पकड़ लिया। इसके बाद इन युवाओं को सख्त हिदायत देते हुए सेना भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। साथ ही सैन्य अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई भी युवा जाली दस्तावेज बनवाकर सेना भर्ती में शामिल होने पहुंचेगा तो ऐसे युवाओं को पकड़ लिया जाएगा और उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए डी न्यूज़ भी युवाओं से अपील करता है कि आप सेना भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी करने का प्रयास न करें। आपका नाम? राहुल शर्मा। कहाँ से? मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा राहुल, बताइए, आपने सेना भर्ती में एक्सीलेंट दौड़ पास किए तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने सेना भर्ती के प्रोसेस को क्लियर कर लिया है। तो आप बताइए कि सेना भर्ती में दौड़ पास करने के लिए आपने किस तरह से तैयारी की?
जी मैंने वैसे 6-7 महीने का वर्कआउट है, रेगुलर मैं तैयारी करता हूँ और गांव में रहकर तैयारी करता हूँ। और वैसे मैं इंटरनेशनल खेलने जा रहा हूँ अभी, अच्छा टोक्यो ओलंपिक के लिए चयन हुआ है मेरा। इस बार मैंने स्पोर्ट्स से अप्लाई किया था आर्मी में, इससे पहले मैंने 3 बार रिटर्न में रहा हूँ मैं आर्मी में। हाँ अच्छा राहुल, जैसा कि देखते हैं कि कई बार लड़कों की तैयारी अच्छी होती है, वो अपने लोकल ग्राउंड पर टाइमिंग कर लेते हैं लेकिन यहाँ आके वो दौड़ में फेल हो जाते हैं, तो क्या कारण मानते हो आप इसका? इनका कारण उनका कॉन्फिडेंस होता है, वो पहले थोड़ी झिझक होती है उनमें, घबरा जाते हैं ग्राउंड में आते और वैसे बस कॉन्फिडेंस रखना चाहिए आदमी को, फिर सब कुछ सही। अच्छा अच्छा एक सवाल और था, जैसे जो युवा दौड़ में पास नहीं होते हैं तो वो बाहर जाकर इस तरह की बातें करते हैं कि दौड़ के लिए पूरा समय नहीं दिया गया, इस तरह की चीज़ें कई बार सुनने को देखने को मिलती है, तो इस चीज़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टाइम इस बार भी खूब दिया जा रहा है, लगभग 5-6 मिनट के आसपास दिया जा रहा है। पहुँचने मुझे बहुत मेहनत पड़ी है और मुझे करीब 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ, अब जाके मेरी रनिंग क्लियर हुई है और मेरे गुरुजी के सहारे और मेरे माता पिता का सहयोग, हम जो भी पैसा मेहनत उनकी जो लगी है उनकी जो विश्वास उन सब की बदौलत मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ और मेरे गुरुजी ने कहा बहुत बहुत। आपके कई साथी जो दलालों के चक्कर में आ जाते हैं, क्या कहोगे उनके लिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप इनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, दलाल चक्कर में लोगे तो कुछ नहीं आता है, पैसे साथ खोदोगे, आप अपनी मेहनत पर भरोसा करें और अपने भगवान से आस लगाएं। नाम बता दो। जी मेरा नाम नरेश मौर्य है।